कल हमने बीपीटी थ्योरम देखा था। बीपीटी थ्योरम को एक बार रिवाइज करेंगे। सबसे पहले ध्यान में रखिए कि बीपीटी थ्योरम ये ट्रायंगल को लगता है। नाउ कंसिडर ट्रायंगल एबीसी एंड सपोज पीक्यू इज पैरेलल टू बीसी। पीक्यू ये बीसी के साथ पैरेलल है। पीक्यू इज पैरेलल टू बीसी। देन AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। ये है BPT यानी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अभी देखिए यहाँ पे हमने वर्टेक्स A से स्टार्ट किया था ये रेशो लिखना, तो ये जरूरी नहीं है कि आप वर्टेक्स A से ही स्टार्ट करें, आप वर्टेक्स B से भी स्टार्ट कर सकते हो या तो वर्टेक्स C से भी स्टार्ट कर सकते हो। कैसे? अब देखिए यहाँ पे अगर हम वर्टेक्स सी से स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखिए, अगर हम वर्टेक्स सी से स्टार्ट करते हैं तो रेशियो बन जाता है सी क्यू अपॉन क्यू ए इक्वल टू। अभी हमने सी से स्टार्ट किया था, अब नेक्स्ट रेशियो की शुरुआत हम बी से करेंगे, तो ये हो जाएगा बी पी अपॉन पी ए, बी पी अपॉन पी ए। ये और ये दोनों सेम है, देख लो एक बार। यहाँ पे ए पी अपॉन पी बी है और यहाँ पे देखिए बी पी अपॉन पी ए है, बस रेसिप्रोकल है। अगर इसको हम दोनों का रेसिप्रोकल निकालते हैं ना ये दोनों का, तो ये हो जाता है ए क्यू अपॉन सी क्यू इज इक्वल टू ए पी अपॉन बी पी। देखिए ये सेम है, ये ए क्यू अपॉन क्यू सी, ए क्यू अपॉन क्यू सी, क्यू सी और सी क्यू दोनों सेम है, और ए पी अपॉन पी बी, ए पी अपॉन पी बी। ठीक है, तो आप जब बीपीटी अप्लाई करते हैं तो जनरली हम ए से स्टार्ट करते हैं, यानी जो ऊपर का जो वर्टेक्स है ना वहां से स्टार्ट करते हैं, तो लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आप ए से ही स्टार्ट करें। तो ये डिपेंड करता है कि आपके एग्जाम्पल में क्या दिया है और क्या पूछा है। तो अगर आप ए से स्टार्ट करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको आगे जाके उसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, लेकिन आप यहाँ बी से भी स्टार्ट कर सकते हो या सी से भी स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, अभी एक नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे। अब ये देखिए पॉइंट ए बी सी आर पॉइंट्स ऑन ओ पी ओ क्यू ओ आर रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब है पॉइंट ए लाइज ऑन ओ पी। अब देखिए यहाँ पे पॉइंट ए, ये है पॉइंट ए, पॉइंट ए लाइज ऑन ओ पी, पॉइंट बी लाइज ऑन ओ क्यू एंड पॉइंट सी लाइज ऑन ओ आर। आपको पूछा क्या है? हाँ, और कुछ गिवन दिया है, ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू, ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू। तो कहाँ है ए बी पैरेलल टू पी क्यू? तो यह है, ये फर्स्ट गिवन है, और सेकंड गिवन है ए सी पैरेलल टू पी आर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन। तो यहां पे गिवन क्या है, तो फर्स्ट गिवन इज एपी ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू एंड सेकंड गिवन है ए सी पैरेलल टू पी आर। और आपको शो क्या करना है, टू शो दैट और टू प्रूव दैट बी सी इज पैरेलल टू क्यू आर। ठीक है, तो अब हम स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं, तो हमेशा ध्यान में रखना आपको स्टार्टिंग गिवन से करना है। तो फर्स्ट गिवन क्या है, ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू, तो देखिए ये है ए बी, एक मिनट, इस सीधी लाइन निकले, ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू, इसे कलर करने से थोड़ा सा क्लियर हो जाता है। चलो अब देखिए आपको ट्रायंगल को आइडेंटिफाई करना है जिसमें ए बी ये पैरेलल टू पी क्यू है, यानी आपको ऐसा ट्रायंगल ढूंढना है जिसकी ये पी क्यू साइड हो, और वो ट्रायंगल है पी ओ क्यू। ठीक है, अभी इस ट्रायंगल पी ओ क्यू में हम लगाएंगे बीपीटी। सो सिंस ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, क्या होगा,
ये होगा ओ ए अपॉन ए पी। अगर आप स्टार्टिंग ओ से करते हो तो सेकंड रेशो में भी स्टार्टिंग ओ से ही करना। अगर फर्स्ट रेशो में आप स्टार्टिंग ओ से करते हो तो सेकंड रेशो में भी स्टार्टिंग ओ से ही करना है। सो ओ बी अपॉन बी क्यू, ये हो गया आपका स्टेटमेंट नंबर वन। ठीक है, अभी सेकंड गिवन क्या है, सिंस ए सी इज पैरेलल टू पी आर, अगेन बाय बी पी टी या बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। कहाँ है ए सी, अब दूसरा कलर लेंगे हम, कौन सा लेंगे कलर, येलो, ओके येलो, ठीक है येलो, ओके ए सी इज पैरेलल टू पी आर। कहाँ है ए सी, ये है ए सी, ए सी, ओके थोड़ा डार्क कर लूँ, दिखेगा आपको, ए सी इज पैरेलल टू पी आर, ये है पी आर। अब आपको ट्रायंगल को आइडेंटिफाई करना है, सॉरी सॉरी यहाँ पे थोड़ा चला गया, तो ट्रायंगल कौन सा होगा, तो ट्रायंगल होगा पी ओ आर, आपको शायद दिख रहा है होगा यहाँ पे, ये ब्लू कलर वाला, ये थोड़ा सा यहाँ पे आया है, ठीक है कोई बात नहीं। तो इन ट्रायंगल ओ पी आर, इन ट्रायंगल, यहाँ पे भी हमने ट्रायंगल लिखना था, ठीक है यहाँ लिख लेंगे इन ट्रायंगल ओ पी क्यू, क्योंकि ट्रायंगल लिखना है। सो इन ट्रायंगल पी ओ आर बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, अभी हम ओ से स्टार्ट करेंगे, सो ओ ए अपॉन ए पी इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर, ओ ए अपॉन ए बी ए पी इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर, ये हो गया स्टेटमेंट नंबर टू। अब स्टेटमेंट वन और टू को थोड़ा कंपेयर कीजिए, देखिए इनका लेफ्ट हैंड साइड दोनों भी सेम है, तो अगर लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो उनका राइट हैंड साइड भी सेम होगा। सो वी कैन राइट हियर ओ बी अपॉन, ओ बी अपॉन, एक मिनट, हाँ ओ बी अपॉन बी क्यू इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर। अब देखिए यहाँ पे ओ बी अपॉन बी क्यू कहाँ है, दूसरा पेन चेंज करती हूँ मैं, यहाँ पे अभी ब्लैक पेन लेती हूँ, ओके ओ बी अपॉन बी क्यू, देखिए कहाँ है ओ बी, ये ओ बी, ओ बी अपॉन बी क्यू इज इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर। अगर ऐसा होता है तो क्या होगा, तो ये है कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी। कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या है, कि अगर ये रेशो सेम है, अगर ये जो दोनों साइड्स है ट्रायंगल की अगर वो इक्वल रेशो में डिवाइड हो रही है, तो देन वी कैन राइट हियर बाय कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी, बाय कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी BC is parallel to QR, और आपको यही तो प्रूव करना था, ये देखिए प्रूव दैट BC is parallel to QR। तो अगर ट्रायंगल में रेशियोज इक्वल दिए हैं, तो ध्यान में रखना कि वो जो दो साइड्स होती है BC और QR, ये पैरल होती है बाय कॉन्वर्स ऑफ BPT। यानी BPT में क्या लगता है, BPT में क्या होता है, आपको दो लाइन सेगमेंट पैरेलल देते हैं तो आपका रेशो इक्वल हो जाएगा, और कॉन्वर्स क्या है, अगर रेशो इक्वल है तो वो दो लाइन सेगमेंट्स पैरेलल होंगे। अब ये नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7, यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, यहां आपको बीपीटी ही यूज करना है, प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ट्रायंगल पैरेलल टू अनादर साइड बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड। देखिए ये स्टेटमेंट आपका 9 क्लास में हो गया है, ये थ्योरम आपने 9 क्लास में प्रूव भी किया है, लेकिन अभी यहाँ हम जो प्रूव करने वाले हैं वो बीपीटी का यूज करेंगे। यहाँ क्लियरली लिखा है यूजिंग बीपीटी, तो आपको इसी को ही यूज करना है।
तो इसमें अभी सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन, क्या क्या दिया है। तो गिवन में क्या है, अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ट्रायंगल, इसका मतलब ट्रायंगल के एक साइड का मिड पॉइंट आपको दिया है। तो आप हम कौन सी भी साइड ले सकते हैं, या तो आप ए बी ले लीजिए या ए सी ले लीजिए। तो हम लेंगे ए बी। तो गिवन है डी इज मिड पॉइंट ऑफ, डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। आप ई को भी मिड पॉइंट ले सकते हैं, लेकिन आपको कोई भी एक साइड का ही मिड पॉइंट लेना है, क्योंकि यहां पे लिखा है अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल के किसी भी एक साइड का मिड पॉइंट, इसलिए हमने एक ही साइड का मिड पॉइंट लिया है, डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। आगे फिर से पढ़िए, अ लाइन ड्रॉन थ्रू दिस डी पॉइंट पैरेलल टू अनादर साइड। अब देखिए ये जो लाइन सेगमेंट है डी से जो निकली है, ये पैरेलल है अनादर साइड, अनादर साइड यानी ये बी सी। तो देखिए आपको ये दोनों लाइन पैरेलल है ये दिया है, तो आपको तुरंत समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे बीपीटी लगेगा। तो सेकंड गिवन है डीई इज पैरेलल टू बी सी। ठीक है, अभी आपको प्रूव क्या करना है, देन इट बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड। ये बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, थर्ड साइड का बाइसेक्ट होना होना इसका क्या मतलब होता है। तो थर्ड साइड है आपकी एसी, थर्ड साइड है ये एसी। तो ये एसी का ये जो ई है, ये ई इसका मिड पॉइंट हो जाएगा। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, दो इक्वल भागों में उसको इंटरसेक्ट करना। ठीक है, तो दो इक्वल पार्ट्स यानी ए ई इक्वल टू ई सी, ये तभी होंगे ना जब ई ए पॉइंट होगा, ई ए मिड पॉइंट होगा। तो आपको प्रूव करना है कि ई इज, टू प्रूव ई इज मिड पॉइंट ऑफ साइड ए सी। ठीक है, या तो आप ऐसे भी लिख सकते हो ए ई इज इक्वल टू ई सी। अब एग्जाम्पल फिर से देखिए, प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ट्रायंगल, ऐसी लाइन जो ट्रायंगल के एक साइड के मिड पॉइंट से निकलती है और जो दूसरे साइड को पैरेलल होती है, तो तीसरे साइड को वो बाइसेक्ट करती है। यानी यहाँ पे ये जो है ना, इसको कहा है फर्स्ट साइड, इसको कहा है सेकंड साइड, और इसको कहा है थर्ड साइड। तो अभी प्रूफ कैसे लिखेंगे, तो गिवन से स्टार्ट करेंगे। नाउ सिंस डीई इज पैरेलल टू बीसी, अभी यहां ट्रायंगल एक ही है एबीसी, इसलिए अगर आप लिखते हो ट्रायंगल एबीसी तो भी चलेगा। नाउ इन ट्रायंगल एबीसी डीई इज पैरेलल टू बीसी एंड देयर फोर बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम वी कैन राइट हियर एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू एई अपॉन ई सी। ठीक है, अब आगे ये तो हो गया फर्स्ट गिवन, अभी सेकंड गिवन भी तो देखिए, डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, इसका मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं कि ए डी इज इक्वल टू डी बी, क्योंकि डी ए मिड पॉइंट है। तो हम यहां ऐसे भी लिख सकते हैं ए डी अपॉन इस डी बी के बदले में हम ए डी लिख सकते हैं इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, और ये ए डी अपॉन ए डी हो गया वन, तो हम लिखेंगे यहाँ पे वन इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। अब इस ई सी को लेफ्ट में ट्रांसफर करेंगे तो ई सी इज इक्वल टू ए ई, और यही हमें प्रूव करना है, ई सी इज इक्वल टू ए ई, इसी का मतलब हो गया है कि ई इज मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए सी।
ठीक है, अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम लेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। यूजिंग कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी, अब हमें कॉन्वर्स यूज करना है। प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल। अब देखिए, ट्रायंगल के एक मिड पॉइंट दिया है, सॉरी ट्रायंगल के दो साइड का मिड पॉइंट दिया है या एक ही साइड का मिड पॉइंट दिया है, यहाँ क्लियरली लिखा है मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल, यानी ये भी मिड पॉइंट हो गया और ये भी मिड पॉइंट हो गया, ये दोनों भी मिड पॉइंट हो गए। इसका मतलब जितनी लेंथ AD की होगी उतनी ही लेंथ DB की होगी। अब अभी मान लो कि AD की लेंथ है X, तो DB की भी X होगी, ठीक है। और E ये मिड पॉइंट किसका है, AC का है, तो अगर AE हो गया Y तो EC भी हो गया Y, ओके। और अभी और उन्होंने क्या दिया है, प्रूव दैट अ लाइन जॉइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल, ऐसे लाइन जो ये मिड पॉइंट्स को जॉइन करती है एंड इज पैरेलल टू थर्ड साइड, ये आपको प्रूव करना है, ये दिया नहीं है, ये गिवन नहीं है, आपको प्रूव करना है DE इज पैरेलल टू BC। प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। इसका मतलब आपको गिवन में क्या क्या दिया है, गिवन में सिर्फ आपको इतना ही दिया है कि D इज मिड पॉइंट ऑफ AB और E इज मिड पॉइंट ऑफ AC। और आपको प्रूव क्या करना है, टू प्रूव करना है ये जो DE है ये DE पैरेलल टू BC। अब देखिए, जब हम दो लाइन सेगमेंट को पैरेलल दिखाना होता है तब हम कॉन्वर्स को यूज करते हैं, ठीक है ना। और BPT का कॉन्वर्स क्या है कि अगर साइड का रेशो इक्वल है तो ये लाइन सेगमेंट्स पैरेलल होंगी, यानी अगर AD अपॉन DB, मैं यहां लिखती हूं, अगर AD अपॉन DB इक्वल होंगे AE अपॉन EC के साथ, अगर ये पॉसिबल होगा तो ही हम लिख सकते हैं कि DE इज पैरेलल टू BC। इसका मतलब हमें ये रेशो इक्वल है कि नहीं ये चेक करना है, ये दोनों भी रेशो इक्वल है कि नहीं ये चेक करना है। तो चेक करने के लिए हम एक एक रेशो लेंगे, तो सबसे पहले लेंगे कि AD अपॉन DB क्या होता है। अभी देखिए, हमने AD को X लिया है, DB को भी X लिया है, X अपॉन X हो जाता है 1, ये हो गया आपका स्टेटमेंट नंबर 1। अब सेकंड रेशो है AE, AE अपॉन EC इक्वल टू, ये Y लिया है हमने, ये Y लिया है, Y अपॉन Y होता है 1, स्टेटमेंट नंबर 2। अब देखिए, ये RHS इक्वल है एंड देयरफॉर AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। अब देखिए, रेशोस इक्वल हो गए तो हम लिख सकते हैं बाय कॉन्वर्स ऑफ BPT, आपने पूरा लिखना है बाय कॉन्वर्स ऑफ BPT, वी कैन राइट हियर DE इज पैरेलल टू BC, ठीक है, ओके। अब देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 9, आई थिंक ये क्वेश्चन नंबर 8 था, हमने 7 लिखा था। ABCD इज ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम क्या होता है, ट्रेपेजियम में एक अपोजिट साइड पैरेलल होती है, हाँ। इसमें देखिए AB इज पैरेलल टू DC, इन्होंने दिया है कि AB इज पैरेलल टू DC, ठीक है, तो ये गिवन ही है। और देन इट्स डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ, ये डायगोनल AC एंड डायगोनल BD इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ, हाँ, शो दैट AO अपॉन OB इज इक्वल टू CO अपॉन DO। अब देखिए, अभी हम देखेंगे कि कहाँ है AO, देखिए AO हो गया ये,
AO अपॉन BO। अब ये रेशो आपको अजीब नहीं लग रहा है, क्योंकि ऐसा हमने कभी देखा नहीं पहले, है ना। और CO अपॉन DO, ये देखो CO अपॉन DO, तो ऐसा तो BPT में नहीं है। तो कभी कभी हमें क्या करना पड़ता है, जो शो करना पड़ता है ना, इसको हमें रीअरेंज भी करना पड़ता है। कैसे रीअरेंज करेंगे, तो AO अपॉन BO इक्वल टू CO अपॉन DO है, तो हम क्या करेंगे, BO और CO की जगह चेंज करेंगे, और हम ऐसे कर सकते हैं, ये रूल है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, AO अपॉन CO इक्वल टू BO अपॉन DO। अब देखिए, ऐसा करने से, एक मिनट, हाँ, ऐसा करने से क्या हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होता है, देखेंगे हम। ओके, तो देखिए अभी AO अपॉन CO, ये देखो AO अपॉन CO। चलो अब लग रहा है कि कुछ BPT जैसा दिख रहा है। और दूसरी साइड कौन सी है, दूसरा रेशो कौन सा है, दूसरा रेशो है BO अपॉन DO, ठीक है। तो अभी हमें इसको क्या करना है, कैसा कैसा करना पड़ेगा हमें, तो सबसे पहले हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप कंस्ट्रक्शन नहीं करेंगे, इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व नहीं कर सकते। क्योंकि यहाँ पे देखो, आप कौन सा भी ट्रायंगल देखो, अगर ट्रायंगल ADC भी आपने देखा, देखिए ADC, इसमें कोई भी लाइन सेगमेंट ना एक साइड से पैरेलल नहीं है। आप कौन सा भी ट्रायंगल देखो, आप चाहे ACB भी देखो, ACB में देखना, कोई भी लाइन सेगमेंट ट्रायंगल के किसी भी साइड से पैरेलल नहीं है। तो इसीलिए हमें क्या करना है कि इसमें एक लाइन सेगमेंट ऐसी निकालनी है जो ट्रायंगल के एक साइड को पैरेलल हो। तो वो हम कैसे निकालेंगे, इसको मैं इरेज करती हूं। तो हम क्या करेंगे, हम यहां से एक लाइन सेगमेंट निकालेंगे, इसको नाम देंगे हम ओ एम। और ये लाइन सेगमेंट कैसी है, ये ओ एम इज पैरेलल टू डी सी। आप इस राइट साइड में भी ले सकते हैं, तो ये हम सेकंड केस लेंगे। एक्चुअली दोनों भी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको करके दिखाऊंगी कि अगर हम OC से इस साइड में भी अगर निकाल सकते हैं, तो क्या ये प्रूव हो सकता है। तो ठीक है, तो सबसे पहले हम OM निकालेंगे, तो OM हमने लिया है। अभी ये कंस्ट्रक्शन में आता है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन क्या है कि कंस्ट्रक्ट OM पैरेलल टू DC, ठीक है। तो अब देखिए यहां पे ये जो OM है या MO है, ये पैरेलल टू DC है, तो अब हम BPT लगा सकते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, हमारा ये जो रेशो है ना AO अपॉन OC, ये निकल आएगा। तो हम लिखेंगे यहां पे इन ट्रायंगल ए डी सी, सिंस ओ एम इज पैरेलल टू डी सी बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ए एम अपॉन एम डी इक्वल टू ए ओ अपॉन ओ सी। तो चलो ये साइड तो हमारी आ गई। अभी BO अपॉन DO के लिए कौन सा ट्रायंगल लेंगे, ठीक है। अब BO अपॉन DO के लिए कौन सा ट्रायंगल लेंगे, अब देखिए ये है BO, तो BO अपॉन DO। तो ट्रायंगल चूज करते समय हमें ये बात ध्यान रखनी है कि ये जो ट्रायंगल है ADC और हम जो चूज करेंगे ट्रायंगल, उनकी कोई तो एक साइड कॉमन होनी चाहिए,
तभी तो हम रेशो को कॉमन दिखाएंगे ना। एक साइड हमारी कॉमन आएगी, एक तो लेफ्ट हैंड साइड या तो राइट हैंड साइड कॉमन आएगी। तो अब देखिए यहाँ पे BO अपॉन OD ये रेशो आने के लिए हमें कौन सा ट्रायंगल लेना पड़ेगा। तो ऐसा ट्रायंगल चूज करो जिस ट्रायंगल की और इस ट्रायंगल ADC की एक साइड कॉमन हो, और मुझे लगता है ये साइड कॉमन है AD। देखिए ये जो AD साइड है ना, ये दोनों ट्रायंगल की कॉमन है। ADC इसकी भी AD साइड है, देखो ध्यान से ADC इसकी भी साइड AD है और ABD इसकी भी साइड AD है। तो इस तरह से हमें ट्रायंगल चूज करना है। तो इन ट्रायंगल ABD अगेन बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम हम कैसे लिखेंगे। अभी हम A से स्टार्ट करेंगे। एक मिनट, हाँ अभी हम A से स्टार्ट करेंगे, D से नहीं है, A से। पहला रेशो हम A से स्टार्ट करेंगे तो दूसरा रेशो हमें B से स्टार्ट करना पड़ेगा, ध्यान में रखना। AM अपॉन MD, यहां पे मैं लिखती हूं AM अपॉन MD इज इक्वल टू, अभी दूसरा रेशो हम B से स्टार्ट करेंगे, BO अपॉन OD। अब ये फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट टैली करो तो इसका लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गया है। तो हम लिख सकते हैं कि AO अपॉन OC इज इक्वल टू BO अपॉन DO लिखो या OD लिखो सेम है। अब देखिए यही हमें प्रूव करना था, लेकिन हमारा ओरिजिनल रेशियो थोड़ा अलग है तो हम उसको फिर से रीअरेंज करेंगे, फिर से ये दोनों भी OC और BO को एक्सचेंज करेंगे। तो OB AO अपॉन BO इज इक्वल टू OC अपॉन DO। तो आई बात समझ में। तो ये देखो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आने के लिए ही तो हमने ऐसे दो ट्रायंगल चूज किए थे कि जिसकी एक साइड कॉमन होनी चाहिए, ठीक है। अभी यही क्वेश्चन नंबर 9 यहां खत्म होता है, लेकिन किसी के मन में डाउट आया होगा कि यहां हमने O से Q ऐसे ऐसे लाइन क्यों नहीं निकाली, तो ऐसी भी लाइन निकाल सकते हैं। चलो देखो अभी नेक्स्ट स्लाइड में, अभी हम यहां से लाइन निकालेंगे पैरेलल, ठीक है। तो अब हम लिखेंगे यहां पे कंस्ट्रक्शन में, बाकी सब सेम रहेगा। यहां पे हम नाम देंगे, नाम नहीं दिया हमने, यहां पे नाम कोई भी दे दो, फॉर एग्जांपल ई। तो यहां पे कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन OE इज पैरेलल टू AB, ठीक है। अब हम ट्रायंगल चूज करेंगे, चलो कहां है, हाँ ये देखिए OE इज पैरेलल टू AB, OE इज पैरेलल टू AB। चलो ट्रायंगल चूज करेंगे तो ट्रायंगल बन जाएगा ACB। अभी इसमें हम BPT लगाएंगे, आप स्टार्टिंग कहीं से भी करो, सी से करो, बी से करो या ए से करो। चलो कहां से करेंगे, ए से करेंगे, ठीक है। तो AO अपॉन OC इज इक्वल टू, अगर आप ए से स्टार्ट करते हैं तो सेकंड रेशो आपको बी से करना पड़ेगा, BE अपॉन EC। ये हो गया स्टेटमेंट नंबर 1। अभी एक मिनट, अब हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे कि हमें प्रूव क्या करना है। AO अपॉन OB इक्वल टू CO अपॉन OD, ठीक है। यहाँ पे लिख लेंगे हमें प्रूव क्या करना था, AO अपॉन BO इज इक्वल टू OC अपॉन OD। मैंने ठीक लिखा ना, OC अपॉन OD एस चलेगा, CO OC सेम है। और इसको हमने यहाँ पे ऐसे भी लिखा था ना, थोड़ा सा इसको रीअरेंज करके, AO अपॉन OC इज इक्वल टू BO अपॉन OD, हमने ये दोनों की जगह चेंज की थी ना, ठीक है। तो ये हो गया। अभी देखो AO अपॉन OC तो आ गया, कहाँ है AO अपॉन OC,
ये ए ओ अपॉन ओ सी आ गया। अभी सेकंड रेशो के लिए हमें ट्रायंगल चूज करना है। सेकंड रेशो क्या है? बी ओ अपॉन ओ डी। ये तो पहला रेशो हो गया। अभी सेकंड बी ओ अपॉन ओ डी, सेकंड रेशो ये है बी ओ अपॉन ओ डी। अभी अभी हमें ट्रायंगल चूज करना है, लेकिन ऐसा ट्रायंगल चूज करो जिसकी साइड, यहाँ पे हमने ट्रायंगल लिखा ही नहीं ना, ट्रायंगल ए बी सी, उसकी साइड ट्रायंगल ए बी सी के एक साइड से इक्वल हो, यानी सेम साइड हो। तो बोलो हम कौन सा ट्रायंगल चूज करेंगे, यानी ए बी सी और वो ट्रायंगल दोनों की भी साइड सेम होनी चाहिए। तो देखो ये नहीं होगी, ये ट्रायंगल नहीं होगा, ये ट्रायंगल देखो, ये इसमें देखो ये जो ट्रायंगल था ए बी सी, उसकी बी सी साइड कॉमन है, और हमने बी डी सी देखी तो उसकी भी बी सी साइड कॉमन है। तो हम लिख सकते हैं इन ट्रायंगल बी डी सी, अगेन ओ ई इज पैरेलल टू डी सी। देखो ना यहाँ पे ये ए बी ट्रेपेजियम है ना, तो ए बी ट्रेपेजियम होने के वजह से अगर ओ ई पैरेलल टू ए बी है तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि ओ ई इज पैरेलल टू डी सी, क्योंकि वो ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम में एक अपोजिट पेयर पैरेलल होती है, तो ओ ई इज पैरेलल टू डी सी। तो अब देखिए कहाँ है ओ ई इज पैरेलल टू डी सी, तो ये है ओ ई इज पैरेलल टू डी सी। तो बाय बी पी टी हम लिखेंगे, हम अभी बी से स्टार्ट करेंगे, यहां पे बी ओ अपॉन ओ डी इक्वल टू बी ई अपॉन ई सी। ये हो गया आपका स्टेटमेंट नंबर टू। अब देखो स्टेटमेंट वन और टू का राइट हैंड साइड सेम है, तो हम लिख सकते हैं ए ओ अपॉन ओ सी इक्वल टू बी ओ अपॉन ओ डी। फिर इसको रीअरेंज करेंगे, क्योंकि हमें जो प्रूव करना था वो ये है, तो हमने ये प्रूव करने के लिए हमें सपोर्ट होना चाहिए, इसलिए हमने ये रीअरेंज किया था। अभी ये दोनों की प्लेसेस चेंज करेंगे, तो ए ओ अपॉन बी ओ इज इक्वल टू ओ सी अपॉन ओ डी, हेंस प्रूव्ड। तो ये जो मैंने किया है, ये जो सेकंड पार्ट किया है मैंने, इसको आपको करने की ज़रूरत नहीं है। एक तो आप जैसे फर्स्ट पार्ट में किया है एम ओ को ज्वाइन किया, सॉरी एम ओ का कंस्ट्रक्शन किया है, आप ऐसे भी कर सकते हैं, या तो जैसे मैंने यहाँ किया है आप ऐसे भी कर सकते हो। तो कोई भी एक मेथड आपको करना है। तो अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 10, द डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज क्वाड्रिलेटरल। ये ट्रेपेजियम नहीं है, ट्रेपेजियम दिख रहा है लेकिन आपको एग्जाम्पल में ये दिया नहीं है कि वो ट्रेपेजियम है करके। तो ए बी सी डी इज एनी क्वाड्रिलेटरल, इसलिए यहाँ पे गिवन में सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा कि ए बी सी डी इज एनी क्वाड्रिलेटरल, इज अ क्वाड्रिलेटरल, ये गिवन है। हाँ, द डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। तो डायगोनल ओ पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं, सच दैट, ये भी गिवन है, ए ओ अपॉन ओ बी इज इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ, ये भी गिवन है। शो दैट, आपको प्रूव क्या करना है, टू प्रूव ए बी सी डी इज ट्रेपेजियम, ए बी सी डी इज ट्रेपेजियम। अभी ट्रेपेजियम प्रूव करना है, इसका मतलब आपको क्या प्रूव करना पड़ेगा। तो ट्रेपेजियम की डेफिनेशन क्या है, तो ट्रेपेजियम इज अ क्वाड्रिलेटरल हुज वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल। और यहां पे आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि ए बी इज पैरेलल टू डी सी, यानी यहां हमें कॉन्वर्स ऑफ बी पी टी यूज करना पड़ेगा, कॉन्वर्स ऑफ बी पी टी। तो चलो क्या करेंगे, सबसे पहले प्रूफ। तो कॉन्वर्स क्या है, जानते हैं ना, अगर रेशो इक्वल है तो ही साइड्स पैरेलल
होंगी। तो अभी यहाँ पे देखिए, जो गिवन दिया है और जो प्रूव करना है इसमें क्या रिलेशन है। अब यहां दिया है AO, AO अपॉन OB, तो हम फिर से इसको रीअरेंज करेंगे, ठीक है, फिर से इसको रीअरेंज करेंगे और हम लिखेंगे जैसे लास्ट एग्जांपल में किया था, AO अपॉन CO इज इक्वल टू OB अपॉन OD या DO जो भी है, ठीक है। तो यहां पे है AO, AO अपॉन OC, AO अपॉन OC इक्वल टू OB अपॉन OD। तो जैसे हमने लास्ट एग्जांपल में किया था कंस्ट्रक्शन, वैसे भी यहां करना है। तो लास्ट एग्जांपल में हमने यहां से कंस्ट्रक्शन लिया था, ये एक जो लाइन है ये लाइन हम निकालेंगे पैरेलल टू वन साइड, यानी यहां सबसे पहले कंस्ट्रक्शन आएगा, यहां प्रूफ नहीं लिखेंगे हम, सबसे पहले कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। एक मिनट इसको मिटा देती हूं मैं, क्योंकि सबसे पहले कंस्ट्रक्शन का नंबर आता है, कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन में हम लेंगे कि ओ एम इज पैरेलल टू डी सी। आप ओ एम पैरेलल टू ए बी भी ले सकते हैं, लेकिन एक ही लेना है, ओ एम पैरल टू डी सी। अभी देखिए हमें प्रूव क्या करना है कि ए बी सी डी ये ट्रेपेजियम है, इसका मतलब ए बी ये पैरल टू डी सी है। अब देखिए, अभी हमने कंस्ट्रक्शन में लिया है कि एम ओ पैरल टू डी सी, ठीक है। अभी अगर हम एम ओ पैरल टू ए बी दिखा सकते हैं, अगर हम अभी फिलहाल क्या है कि MO इज पैरेलल टू DC है, हमने कंस्ट्रक्शन में लिया है। अगर हम MO पैरेलल टू AB दिखा सकते हैं, तो ये दोनों से हम लिख सकते हैं कि AB इज पैरेलल टू DC। तो इसलिए हमने सबसे पहले कंस्ट्रक्शन लिया है। अब हम देखेंगे कि क्या होगा आगे। अभी देखिए, OM इज पैरेलल टू DC, OM इज पैरेलल टू DC, तो हमें ट्रायंगल कौन सा लेना पड़ेगा, आपके सामने ट्रायंगल दिख रहा है। सो इन ट्रायंगल ए डी सी, सिंस ओ एम इज पैरेलल टू डी सी बाय बीपीटी हम लिखेंगे, आप पूरा लिख लीजिए बाय बेसिक प्रोपगेशन थ्योरम। तो ये होगा ए एम अपॉन एम डी इक्वल टू ए ओ अपॉन ओ सी, ठीक है, इसको नाम देंगे हम एक। लेकिन AO इक्वल AO अपॉन OC इक्वल टू OB अपॉन OD है, ये देखो गिवन दिया है, तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं AM अपॉन MD इज इक्वल टू OB अपॉन OD, क्योंकि ये गिवन दिया है। अब ये है नंबर टू। अब देखिए यहां पे डायग्राम में AM अपॉन MD, AM अपॉन MD, देखो यहां पे थोड़ा सा अलग कलर लेती हूं मैं यहां पे। अब ये जो है ना सेकंड स्टेटमेंट, इसको हम स्टडी करेंगे। देखिए यहां पे AM अपॉन MD इक्वल टू BO अपॉन OD, इसका मतलब ट्रायंगल की जो दो साइड्स है उनका रेशो इक्वल है, तो क्या हम इसे लिख नहीं सकते ऐसे कि MO इज पैरेलल टू AB बाय कॉन्वर्स, क्योंकि AM अपॉन MD इक्वल टू BO अपॉन OB है, ये है, तो बाय कॉन्वर्स ऑफ BPT MO इज पैरेलल टू AB, ठीक है। अभी यहां पे देखिए, हमने कंस्ट्रक्शन लिया है बट OM या MO इज पैरेलल टू DC बाय कंस्ट्रक्शन, इसलिए हम यहां आगे लिख सकते हैं कि AB इज पैरेलल टू DC, और AB ये पैरेलल DC है, तो हम लिख सकते हैं कि क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ट्रेपेजियम।